यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 19। ओम क्रव्यादम अग्निम प्रहणोमि दूरम यम राज्यम गच्छतु रिप्रवाह इहि एवयम् इतरो जात वेदा देवेभ्यो हव्यम वहतु प्रजानन। क्रव्यादम अर्थात क्रव्याद को। अब क्रव्याद क्या है ये हमें देखना समझना होगा। क्रव्याद में धातु तो क्री है, ये दो प्रकार से है। एक तो जो स्वर रि है ये लघु है तो क्री का अर्थ है करना, क्रव्य का अर्थ हो गया करणीय कार्य या कर्म। दूसरा क्री दीर्घ रिकार है, उसका अर्थ है विकीर्ण करना विकरण होना। ये शब्द भी हमारा परिचित है, आप कह सकते हैं कि विकीर्ण विकरण कैसे बनेगा। तो ये क्री धातु है जिसमें रिस्वर दीर्घ है, भले ही हमारे अभ्यास में न हो लेकिन अब है तो है। विक्षेप करना प्रक्षेपण करना और हिंसा करना भी इसका अर्थ होता है। विकीर्ण करना का अर्थ है बिखेरना, समेटना सहेजना जोड़ना और बिखेरना विपरीत हो गया। तो विकीर्ण कर देना बिखेर देना तार तार कर देना उसको हिंसा करने का अर्थ भी आ जाता है। यद्यपि देखिए विकीर्ण शब्द है जो सूर्य या किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती हैं, ये किरण विकिरण भी इसी धातु से बनेगा। उसका अर्थ हम लोगों ने कहा ना विक्षेप करना प्रक्षेपण करना विकिरण होना, तो ये विकिरण ऐसे हुआ, विकिरण करना विकिरण होना विक्षेप करना प्रक्षेपण करना यही है। इसमें एक नकारात्मक भाव हिंसा का अर्थ भी है, जहां जैसी आवश्यकता हो ग्रहण कर लें ये मान लें ये सुविधा है। अब आगे कहा है क्रव्यादम, शब्द तो आपका है क्रव्यादम, क्रव्य अदम इस क्रव्य को खाने वाला जो करणी है कर्म है उसको खाने वाला, या जो ये विकीर्ण है विक्षेप करना है हिंसा करना है उसको खाने, जो उपयुक्त लगे ग्रहण कर लीजिएगा। अर्थ है क्रव्यादम शब्द आपका है क्रव्य को खाने वाला अग्नि, ये अग्नि का विशेषण है क्रव्य को खाने वाला अग्नि क्रव्याद अग्नि। अग्नि को यहां क्रव्याद कहा गया, अग्नि तो वही है, अग्नि का अर्थ हम सब जानते हैं अग धातु है, अग से अग्रणी होना, अग धातु का अर्थ गति करना, तो गति प्रगति का अर्थ भी है ना? तो अग्रणी गति प्रगति स्वरूप अग्नि उसका एक विशेषण यहां दिया गया क्रव्याद, वो क्रव्याद भी है कह सकते हैं वो हिंसा को खाने वाला है, हिंसा को समाप्त करने वाला है। यहां लिखा है अर्थ में निर्दयता को खाने वाला, वो इसी हिंसा के अर्थ से ही ग्रहण किया जाता है। बहुत से पुस्तकों में भाष्यों में आप देख सकते हैं, हो सकता है इसका अर्थ कुछ अलग शब्दों में किया गया हो, लेकिन जो भी अर्थ किया गया होगा जब आप ध्यान देंगे तो धातु तो वही है, उससे दूर तो कोई जाएगा नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। तो उसका अर्थ कुछ इसी प्रकार से इसी धातु से
कह सकते हैं अधिक से अधिक हिंसा का भाव ग्रहण करते हुए ही उसका कोई अर्थ समानता लोगों ने किया है। तो क्रव्याद का अर्थ हिंसा को खाने वाला कर सकते हैं, अगर करने वाला क्री था तो कर्म वाला अर्थ लेंगे क्री करना, तो करणीय को देने वाला अर्थ भी कर सकते हैं, दा का अर्थ देना हो जाएगा, अद के स्थान पर क्रव्याद उस तरह कह सकते हैं, दा जो जुड़ जाता है देने के अर्थ वाला, जलद्वारी आदि शब्द हम लोगों ने सुना है, धन धन देने वाला, तो उस प्रकार का अर्थ भी कर सकते हैं यदि आवश्यक हो। सामान्यता यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है जैसा कि इसमें लिखा भी है, निर्दयता को खाने वाला, हिंसा को खाने वाला अग्नि, ये अर्थ भी अपने आप में उपयुक्त है, ग्रहण कर सकते हैं। प्रहिणोमि दूरम, प्रहिणोमि, प्र तो उपसर्ग है, ठीक है, प्रमुख, हिणोमि में यहां भी ही धातु है, ही धातु का क्या अर्थ है, गति करना, वृद्धि करना, तो गति वृद्धि करना ही धातु का अर्थ होता है, हिणोमि का अर्थ हो गया गति वृद्धि करता हूं, गति करता हूं, वृद्धि करता हूं। दूरम, दूर, यम राज्यम गच्छतुर प्रवाह, एक वाक्य तो प्रथम चरण में पूर्ण हो गया, क्रव्यादम अग्निम प्रहिणोमि दूरम, ठीक, क्रव्यादम अग्निम प्रहिणोमि दूरम, क्रव्याद अग्नि को दूर तक गति करता हूं, वृद्धि करता हूं, इस अग्नि को दूर करता हूं, ग्रहण करना ठीक नहीं लगा। है ना, इसको यही कह सकते हैं कि दूर तक इसके गति करता हूं, इसकी वृद्धि करता हूं, अग्नि है, अग्नि का अर्थ सामान्यता हम लोग परमेश्वर ही भावार्थ ग्रहण करते हैं, अग्रणी प्रगतिशील ग्राही परमेश्वर, क्रव्यात कहा गया है हिंसा को खाने वाला, हिंसा का हनन करने वाला, जो करणीय कर्म है उसे देने वाला, तो उसका हम दूर तक विस्तार करें, दूर जाएं, वृद्धि करें, यही अर्थ होगा, मेरा ध्यान भी माइक खुल जाता है कैसे। तो आगे कह रहे हैं यम राज्यम गच्छत उरे प्रवाह, यम राज्यम, यम राज्य को गच्छत जाए, ये लोट लकार है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसलिए ध्यान आ गया, तो कह दिया गच्छत जाए, यमराज को जाए, रिप्रवाहा, रिप्रवाहा ही इसमें कर्ता प्रथमा एक वचन में है, अब रिप्रवाह क्या है ये समझना है, मंत्रार्थ में तो रिप्रवाह ही कह दिया गया, इसको आगे समझना पड़ेगा, मुख्य रूप से ये धातुवाद निरुक्त इसीलिए दिया जाता है, रिप्रवाह में सबसे पहले तो री है, अब री को यहां पर अर्थ करने के प्रणाली को समझें, इस शब्द को समझने के लिए हम कहते हैं शब्द में सबसे पहले उपसर्ग होना चाहिए, उसके पश्चात धातु, यदि उपसर्ग है तो पहले होगा, तो अब री सबसे पहले आया, उपसर्गों की सूची में कहीं री है नहीं, इसलिए हम इसे धातु मान रहे हैं। बहुलम छंदस के सिद्धांत पर वेद में कोई सीमा हम नहीं बांध सकते कि रे उपसर्ग नहीं हो सकता, तो यदि किसी प्रतिष्ठित विद्वान ने री को उपसर्ग मानकर अव्यय मानकर अर्थ किया हो तो हम विनम्रता से उसे स्वीकार करेंगे, वह स्वीकार्य है। जिस प्रकार का यह शब्द है इसमें मुझे भी लग रहा है रि उपसर्ग हो सकता है, रि उपसर्ग हमने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि उपसर्गों की सूची में ये कहीं है नहीं, फिर भी सभी विद्वान मानते हैं बहुलम छंदसि, वेद में कोई सीमा नहीं है, वेद में बहुलता है, नहीं है सूची में फिर भी हो सकता है, तो ये मानकर अर्थ को
कोई कर रहा हो तो कर भी सकता है। यदि हम री को धातु माने तो इसका अर्थ हिंसा करना, गति करना होगा। रिप धातु माने तो भी इसका अर्थ गति करना है। रि धातु ग्रहण करें तो भी इसका अर्थ गति करना, हिंसा करना, साथ में सुनना भी है। ठीक, यदि रि को उपसर्ग मान लेते तो प्रा भी उपसर्ग हो जाएगा, वह धातु हो जाएगी वहन करना। इसमें नहीं लिखा है लेकिन हो सकता है। यदि रि को रि धातु से बना हुआ एक पूर्ण शब्द मानकर समास किया जाए, यहां समास माना जाए, तो रि का अर्थ गति हिंसा हो जाएगा, प्रा उपसर्ग हो जाएगा, वह धातु से वाह बन जाएगा। हम आपको बता रहे हैं रिप्रवाह शब्द थोड़ा हट करके तो है, तो इसका अर्थ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस ये सभी अर्थ हमें स्वीकार्य हैं, सभी अर्थ व्याकरण के अनुकूल हैं। मुख्य बात यही है कि जो भी शब्द हमारे समक्ष आए उसमें हम उपसर्ग और धातु का ध्यान रखते हुए प्रामाणिक व्याकरण सम्मत अर्थ करने का प्रयास करें। उसका क्या अर्थ निकलेगा ये पहले से मान करना चलें कि ये वाला अर्थ हमें इसमें ठूसना है, ये थोपना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी विकल्पों पर विचार करें कि ये उपसर्ग है तो ये धातु होगी, इसका ये अर्थ होगा, क्या क्या अर्थ हो सकता है। फिर हम ये तो देखेंगे कि पूरे मंत्र का अर्थ जब हम इस प्रकार शब्दों के अर्थ को मिलाकर करेंगे तो पूरे मंत्र का क्या अर्थ निकलेगा, वो अर्थ कितना उपयुक्त होगा, वेद की गरिमा के अनुकूल होगा। तो उन अनेक अर्थों में हम कोई अर्थ चयन कर लें, पहले हम सभी विकल्पों पर, सभी अर्थों पर विचार कर लें निष्पक्ष रूप से। यथासंभव हमने किया है, फिर भी बहुत अधिक विस्तार है, कहीं ना भी हो सका हो तो आप लोग इस विस्तार कार्य को आगे बढ़ाते रहें, इसकी कोई सीमा न बांधें। तो रिप्रवाह में जाने को अभी भी हमारा मन ये कर रहा है कि रि को उपसर्ग यदि मान लेते हैं प्रा तो उपसर्ग हो ही जाएगा, तो रिप्रवाह का अर्थ हो जाएगा प्रमुख प्रवाह, अत्यधिक प्रमुख प्रवाह, क्योंकि रि उपसर्ग होगा तो उपसर्गों का कोई विशिष्ट अर्थ न होकर के निपात होते हैं, तो जो कुछ भी शब्द है उसको थोड़ा बल देते हैं, प्रमुखता दे देते हैं, उसका बल बढ़ा देते हैं, यही कह सकते हैं। रिप्रवाह तो वाह में प्रा तो पहले से है प्रवाह, और प्रवाह में भी रिप्रवाह, जैसे मान लीजिए सुप्रवाह होता, उत्प्रवाह होता, तो उस प्रकार से रि भी उपसर्ग यदि है, तो ये हमने आपको बताया। अब यदि हम रि को उपसर्ग न माने तो रि और रिप धातु हो सकती है, उससे रिप्र बनेगा और वाह में तो वहन करना कार तो वह धातु होगी ही होगी, उसका तो कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो कह रहे यम राजम गच्छतो रिप्रवाह, तो रिप्रवाह कह रहे रिप्रवाह जो है वो यम राज्य को जाए। रिप्रवाह का अर्थ एक तो हो गया उत्तम, उत्कृष्ट, तीव्र प्रवाह, यदि रि को भी उपसर्ग मान लें, या फिर रि को अगर हम धातु मान करके गति हिंसा का प्रवाह, तो अब यहां पर हम हिंसा तो ग्रहण नहीं करेंगे, यहां हम गति ग्रहण करेंगे, गति का प्रवाह हो, गतिशीलता हमारी और अधिक बढ़े, वो यम राज्यम गच्छतु, यम राज्य को जाए। यम का अर्थ है नियमन करना, यम धातु, यमन, नियमन, संयमन, स्पष्ट है, हम समझ रहे हैं। यम राज्यम, राज्यम में राज दीप्तो धातु है, इसका अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना, नियमित प्रकाश की ओर जाए, प्रकाश राज्य नियमबद्ध हो, इसे कहते हैं अराजकता न हो, अनियमित न हो, मनमानी न हो। यदि कोई समाज, कोई राज्य, कोई व्यवस्था हमें चलानी है, राज्य का अर्थ तो प्रकाश से है, प्रकाश भी मनमाना न हो,
कहां कितना कैसे प्रकाश अर्थात व्यवस्था हमें बनानी है, वो नियमित हो व्यवस्थित हो, उसी को यम राज्य कहा जाएगा। तो कहते हैं उत्तम प्रवाह युक्त होकर यम राज्य को जाएं, इह एव अयम इतरो जात वेदा देवेभ्यो हव्यम वहत प्रजानन। इह का अर्थ यहां एव ही अयम यह इतरो इतर या अन्य, ये तो स्पष्ट हो गए, ये सबके सब एव तो अव्यय है ही से सर्वनाम, ये भी अव्यय में मान सकते हैं, सर्वनाम का अर्थ भी है। इह यहां एव ही यहां ही यह अयम यह इतरो इतर अन्य यहां ही यह अन्य जात वेदा। जात वेदा क्या है इसको भी देख लें, जात जन धातु से जात का अर्थ हुआ उत्पन्न, वेदा वेद वेद का बहुवचन है, वेदों को उत्पन्न करने वाला जात वेदा जी। वेद में परमेश्वर का एक विशेषण जात वेदा भी है, वह वेदों को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उसे जात वेदा भी कहा गया है। तो कहा गया है यहां ही यह इतर जात वेदा, अग्नि का विशेषण भी जात वेदा होता है। अग्नि का अर्थ है अग्रणी प्रगतिशील, परमेश्वर का विशेषण अग्नि भी है, जात वेद भी है, जो अग्रणी लोग हैं वे जात वेद वेद को जानने वाले हो, वेद को अपने जीवन में समाज में उत्पन्न करने वाले हो, जहां वेद नहीं है वहां उसका पाठ प्रवचन व्याख्यान करें, ही वेद को उत्पन्न करना हो गया हमारे आपके सामान्य लोगों के लिए। और सम्मान श्रद्धा से हमने कहा परमेश्वर ही वेद को उत्पन्न करने वाला है, तो वह तो जात वेद है ही, तो यहां ही यह अन्य जात वेद इतर जात वेद, ऐसा भी कह सकते हैं कि इस तरह समाज में तो हम आप थोड़े बहुत जात वेद होंगे, परमेश्वर के उपासक हैं, थोड़ा वेद की चर्चा भी कर रहे हैं, जो हम सबसे परे इतर जात वेद है वो परमेश्वर है, उसकी ओर संकेत हो सकता है, या हमारे आपके बीच में ही कोई इतर हो प्रमुख हो उसको इतर जात वेदा कह दें, ऐसा भी संभव है। देवेभ्यो देवों के लिए, देवेभ्यो देवों अर्थात प्रकाशमान विद्वान समाज के मार्गदर्शक देवजनों के लिए, हव्यम हव्य को, हव्य की चर्चा हम लोगों ने की थी, खुद धातु का अर्थ है दान करना आदान प्रदान करना, हव्य अर्थात जो कुछ दान के लिए आदान प्रदान के लिए हमने प्रस्तुत कर दिया वह हव्य है, सामग्री सेवा जानकारी विद्या विवेक जो कुछ भी हमने कहा भाई हम ये समाज के लिए दे सकते हैं वो हव्य है हमारा, जो हमने अर्पित कर दिया, अर्पित करने की भावना की कि हाँ भाई ठीक है हमसे इतना तो बन पड़ेगा, इतना तो हम कर सकेंगे, ये हमने जनहित में समर्पित कर दिया, उसे हव्य कहते हैं, जो देय है देने योग्य है, वह तो वहन करे प्रजानन। प्रजानन प्रातो उपसर्ग है ही, जानन जन धातु से जानन उत्पन्न करते हुए, प्रजानन प्रकर्ष से प्रमुखता से उत्पन्न करते हुए, और जाने को हमें लगता है ज्ञा धातु होती है जानना, क्रिया तो जानाते ही बनती है, प्रजानन का एक भाव जानना भी हो सकता है, प्रमुखता से जानते हुए अर्थात विद्वान लोग, प्रजानन प्रमुखता से उत्पन्न करते हुए सृजन करते हुए सृजनशील लोग, ऐसा कह सकते हैं। तो कहते हैं देवों के लिए हव्य को उत्पन्न करते हुए जानते हुए वह तो वहन करें, जो जात वेद हैं
देखिए जात वेदा यहां पर बहुवचन में, हाँ ये बात महत्वपूर्ण थी, इतरो जात वेदा, एक तो परमेश्वर तो जात वेद है ही, वह तो एक वचन में होगा, ये महत्वपूर्ण बात थी, छूट रही। परमेश्वर के लिए जात वेदा आएगा वो तो एक वचन में होगा, यहां कह रहा इतरो जात वेदा बहुवचन में, तो परमेश्वर के उपासक हम भी जो कुछ थोड़ा बहुत वेद को समझने जानने प्रचार प्रसार का प्रयास कर रहे हैं, जिन तक वेद नहीं है अभी उन तक वेद पहुंचा रहे हैं, उन स्थानों पर भी वेद का प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं जहां अभी नहीं पहुंचा है, तो हम आप भी थोड़े बहुत जात वेद कहलाने के अधिकारी हो गए, तो उन्हीं के लिए यहाँ बहुवचन में कहा जा रहा है जात वेदा। यहां ही यह इतर जात वेद देवों के लिए प्रजानन विशेष उत्पन्न करते हुए प्रमुखता से जानते हुए हव्यम बहतु, इस हव्य का वहन करें, जो कुछ सेवा सामग्री हम समाज के लिए दे पा रहे हैं उसको ये जात वेद समाज के अग्रणी वैदिक विद्वान उसे वहन करें, ले जाएं, जिनको आवश्यकता है उन सुपात्रों तक पहुंचाएं, ये इस मंत्र का भाव हम ग्रहण करते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न आदि हो तो कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, ये जो क्रव्याद शब्द आया है इसका अर्थ मैंने पढ़ा है भाष्यों में कि मांसाहार आता है, तो ये किस प्रकार से बन जाता है, कृपया समझा दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि उसमें हिंसा करने का तो दिया ही हुआ है, तो अब हिंसा मांसाहार भी हिंसा ही है, तो उस प्रकार से कह दिया गया होगा जो हिंसा करके खाने वाले हैं कृप्याद, हो सकता है इस प्रकार का अर्थ किया गया हो कि जो हिंसा करके खाने वाले हैं, जो अपने भोजन के लिए हिंसा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, तो वो मांसाहारी हो गए, तो इस रूप में किसी ने भावार्थ मांसाहारी कर दिया होगा, तो ठीक है, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जी धन्यवाद स्वामी जी, ये जरूरी था ये प्रश्न। हाँ, कल रविवार प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा, उसमें हम लोग अपने सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी खुली चर्चा कर सकते हैं, जैसा कि बात हुई है, प्रयास हुआ है, जब किसी विषय पर कुछ प्रमुख लोग जुटेंगे तो उस विषय की चर्चा कर ली जाएगी, बहुकुंडी यज्ञ आदि की भी कुछ चर्चा हुई है, यदि वो लोग जुड़ते हैं तो फिर वो चर्चा भी कर लेंगे, किसी और विषय के लोग जुड़ेंगे तो उनकी चर्चा भी कर लेंगे, अन्यथा सहज भाव से हमको जो भी है हम तो खुली चर्चा किसी विषय पर कर ही सकते हैं, तो किसी को कुछ कहना हो तो बताएं या फिर समापन किया जाए, कल मिलते हैं, कुछ कहना हो तो बताइए। जी स्वामी जी, यम राज्यम गच्छन्तु रिप्रवाह, इसका इस तरह से भी भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं क्या, हिंसकों पर नियंत्रण करते हुए? यम राज्यम गच्छतु रिप्रवाह, हिंसकों पर नियंत्रण करते हुए है? जी, नियंत्रण या नियमन करते हुए हिंसकों का। भाव तो है यमराज्य का, वही आशय है, जहां नियमन नियंत्रण हो वो राज्य, व्याकरण से कहें तो नियंत्रण करते हुए जैसा वाक्य तो नहीं बनेगा, लेकिन यमराज्य का इतना अर्थ तो है ही कि यहां पर कुछ नियमन नियंत्रण की व्यवस्था हो, नियमन होना चाहिए, वो तो हमने कहा भी, वो राज्य जहां पर सुनियम व्यवस्था हो, नियमन हो, तो यमराज्य को जाए तो राज्य में जाएं, तो वो भाव तो है, ठीक है।
जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। जैसे जो भी बात चल रही है यमराज्यम, तो जिस राज्य में या जिस स्थान में नियंत्रण होता है, तो क्या इसको राजा या शासक के अर्थ में भी ले सकते हैं? इस शासक या राज्य के राज से हिंसकों का कृपया उनका दूर भगा दिया जाए। देखिए, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को तो उत्तरदायित्व तो सौंपना ही होता है। उसे नाम कुछ भी दे दें, शासक होगा ही वो। तो किसी को भी हमने अपने बीच से चुन लिया कि हाँ भाई आप व्यवस्था संभालो। तो लौकिक सामाजिक अर्थ में हम इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो, जो भी एक समाज हम बनाते हैं उस समाज का कोई प्रमुख मुखिया हम चुनते हैं और व्यवस्था के संचालन का दायित्व उसको सौंपते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसके निर्देश मानते हैं, तो समाज व्यवस्थित चलता है। हम राज्य का ये भाव तो है ही, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, और कोई बात नहीं है ऐसा लग रहा है। कल प्रातः काल 11 बजे तो हम लोगों को विशेष सत्र में मिलना ही, तो जो भी प्रश्न हो तो उनको विचार करके रखें और कल 11 बजे हम लोग साप्ताहिक विशेष सत्र में खुली चर्चा में मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।